शौचालय हम लोग का नहीं है खेत में जाते हैं खेत में जाते हैं डर नहीं लगता है अब डर लगता है तो क्या करे वही जैसे की कोलकाता में कांड हुआ है उसे हम लोग का भी होगा नीतीश कुमार को चाहते है फिर से आग लगा वाला पार्टी है वो आग हाँ। खा जाता है तो पानी नहीं तो चले लगता है तो कोई मोटर है बड़का घर में तो उसको ही से सला जाते हैं पानी नहीं। वो नहीं देते हैं पानी कि हम देंगे बिल हमको उठता है तो एकदम खराब है हम लोग को जाने में प्रॉब्लम होता है लाइन ठीक नहीं, नहीं।, नहीं है बांस में लटका लटका के हम लोग तार ले गए वो भी गिर रहा है राशन मिलेगा वो हम लोग का नहीं मिलता है डीलर है तो अति तारीख तीस तारीख वहाँ से राशन उठाते हैं और तीस को बंद कर देते हैं कि लिंक फेल हो गया तो हम लोग का राशन भी नहीं मिल पाता है कभी कभी हमको भी पति पीते हैं अब गरीबे हम दिया कमाते हैं ढलैया करते है तो नहीं पिएगा तो कैसे होगा आ जाते नीतीश कुमार मोदी कुमार की वोट दीजिए वोट दीजिए वोट लेके पार हो जाते हैं। जो खिलावेगा उसको गाएंगे हम हम कह काम करने जाते हैं उस हिसाब से हम लोग बिजली बिल भरेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो चाले कहाँ जाती है जाते है खेत में आप कहाँ जाएंगे डर नहीं लगता मतलब महिला है तब डर लगता है तो क्या करे घर में रहेंगे आखिर के तो जेबे करेंगे बात बातचालय बनाए कौन शौचालय हम बने लगे है ली देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा में है और वही इस वक्त हमारे साथ जनता मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि फतुहा विधानसभा यानी कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पर विकास कितना हुआ है कुछ नहीं कुछ विकास नहीं, नहीं हुआ अच्छा। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे स्मार्ट कार्ड मीटर के लिए हम लोग बहुत इतराज है मैडम क्यों अच्छा ना स्मार्ट स्मार्ट मीटर हो रहा है नहीं आ रहा है बिल बहुत है। हाँ। तो हम लोग पेट में खाएंगे की बिजली के बिल भरेंगे अच्छा पहले कितना बिजली पहले आता था, था? था, था तीन सौ दो सौ एक सौ बस यही इतना आता था अब तो पंद्रह सौ एक हजार आता है मैम अच्छा। तो कहाँ से भरेंगे गरीबी आदमी ईटा बालू ढोने वाला कहाँ से करेंगे और का नल ना। ना है ना बाथरूम है ना रोड बना हुआ है हमेशा जाते हैं नीतीश कुमार मोदी कुमार की वोट दीजिए वोट दीजिए वोट लेके पार हो जाते हैं नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हर घर नल योजना दिए शौचालय तो मैडम कहाँ पर जी शौचालय कहाँ पर जी नल है कहाँ पे जी रास्ता बना हुआ है अच्छा देखिए आप तो हाथ से देखिए घर भी टूटा फूटा है रास्ता भी टूटा फूटा सांप बिछा भी काटता है लोग के हर साल तो दस गो पांच गो आदमी मर जाता है कुछ पर में तो क्या नीतीश कुमार झूठ 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 बोल 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 रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं? हाँ, तो ही रहे हैं कि बना दिए हर गली गली छाप दिए अपना नारा कहाँ नारा हैं? तो क्या चाहती है कि बदलाव होना चाहिए ना? बदलाव 2025 होना में? चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ बदलाव होना चाहिए रोड बनना चाहिए नाल बनना चाहिए बाथरूम बनना चाहिए शौचालय बनना चाहिए और क्या कहेंगे रोड बनना चाहिए अच्छा 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है अब लगातार आ, सब लोग यहाँ पर आएंगे विधायक आएंगे वोट के लिए तो क्या करेंगे नहीं देंगे वोट 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 नहीं नहीं देंगे देंगे हाँ, के लिए बोलेंगे तो? नहीं देंगे वोट कहेंगे नहीं सर वोट नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे बताएंगे ना बिजली के बिल बहुत आता है हम लोग का रोड ना है मकान ना है है घर ना का नहीं देंगे वोट अपनी क्या चाहती है सरकार ऐसी सरकार ऐसी रोड बनना चाहते है बिजली के बिल बदले के चाहते है नल शौचालय बनना चाहते है शराब बंदी है की नहीं यहाँ पे शराब बंदी नहीं है लोग तो पीता है अच्छा अच्छा आदमी पकड़ लेता है मजूरा के अच्छा आप ये बताइए की यहाँ पर जो ये अव... फतुहा विधानसभा है तो मतलब यहाँ पे क्या विकास हुआ है हम लोग तो जब से बसे हैं यहाँ पर कुछ नहीं देखे रास्ता एकदम खराब है हम लोग को जाने में प्रॉब्लम होता है हाँ। लाइन ठीक नहीं है बांस में लटका लटका के हम लोग तार ले गए वो भी गिर रहा है बस हमको दो ही को प्रॉब्लम है एक तो, स्मार्ट मीटर का तीन गो बाकी हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है जो है सब ठीक है मतलब हम लोग का रास्ता चाहिए और बिजली पोल लगा दीजिए बस यही हमको चाहिए स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर का अच्छा बिल मेरे लिए तो कुछ ना किसी के लिए अच्छा नहीं है किसी के लिए अच्छा नहीं है क्या, क्या हुआ है? क्या दिक्कत हो रहा है बिल बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा है और बिल ज्यादा आ रहा है पहले है? कितना आता था पहले तो एक हजार रुपया बारह सौ रुपया आ जाता था अब तो आता है दो हजार से ऊपर आ जाता है शौचालय गए हैं नहीं हम लोग का अपना है हम लोग का अपना है यहाँ पर बनाया नहीं गया है। नहीं।, नहीं तो और क्या चाहती है सर दो हजार पच्चीस में बदलाव होना चाहिए ना अभी तो फिर से आएंगे? बदलाव तो यही ना कह रहे हैं की हम लोग को रास्ता दीजिए रास्ता बनवा दीजिए पोल लगा दीजिए और क्या चाहेंगे हम लोग थोड़ी कहेंगे हम लोग का घर का राशन पानी चला दीजिए हमको रास्ता चाहिए रास्ता सब पब्लिक को जाने में दिक्कत होता है अभी नया नया घर बन रहा है कोई नहीं चाहता है सपोर्ट करने के लिए तो सरकार ना बनाएगा क्या चाहती है किसकी सरकार आए अब नीतीश कुमार ही किसकी सरकार आई कह सकते हैं हमको जो बनाएगा जो करेगा उसी को वोट मिलेगा नहीं करेगा उसको वोट नहीं देगा आदमी अच्छा स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर लगा है हाँ तो कैसा बिजली बिल आ रहा है बिल बहुत आ रहा है मैम बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है हम तो भरते हैं पाँच सौ रुपया नब बारह दिन चल करता है अच्छा उसके बाद से फिर कट जाता है लाइन फिर भरते हैं फिर भरते हैं तो भरता है नहीं भरते हैं तो रहता है पहले कितना आता था पहले तो एक सौ दो सौ आता था तब सीधे एक हजार आ रहा है हाँ, हाँ। क्या चाहती है सरकार से ऐसी स्मार्ट मीटर हटना चाहिए हाँ हटना चाहते हैं लगातार गांव में भी विरोध हो रहा है तो आप भी विरोध कर रही हैं तो कहे ना करेंगे एक गाँव के न है सबको के दुख न है तो ना विरोध करेंगे तो क्या चाहती हैं कि सरकार कुछ बदलाव करे कि नहीं मतलब आप लोग बदलाव करना चाहती हैं? हाँ चाहते हैं नल लगे तो हमको नल नहीं है कैशाख आ जाता है तो पानी नहीं चले लगता है तो कोई मोटर है बड़का घर में तो उसको ही से चला जाते हैं पानी वो नहीं देते हैं पानी कि हम देंगे बिल हमको उठता है अच्छा शौचालय बना है कि नहीं बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि हर घर में शौचालय बनाए गया है घर नल जल योजना है उस वो सब है शौचालय बनाया है जिसको पैसा अपना है कमा रहा है अच्छा आंधी है उसको बना है गरीब आंधी है उसको नहीं बना है सरकार की तरफ से नहीं बना है शौचालय कहाँ जाती है जाते है खेत में आप कहाँ जाएंगे डर नहीं लगता मतलब है तब डर लगता है तो क्या करे घर में रहेंगे आखिर के तो जब करेंगे बाथरूम खेत में जाना पड़ता है जाना करता है अब आप लोग का अपना शौचालय नहीं है नहीं। जो बड़े लोग है उन लोग का, बनाया। हाँ, लोग का है वो लोग अपना खुद बनाए हैं अच्छा यहाँ पर शराब बंदी है कि नहीं लगातार कहा जा रहा है कि शराब बंदी नहीं शराब बंदी नहीं है तो लोग पी के आते है आपके सब कोई पीते हैं आपके पति भी पीते हैं हैं हमको भी पति पीते है कभी कभी हमको भी पति पीते हैं गरीबे है, कमाते हैं ढलाइया करते हैं तो नहीं, नहीं पिएगा तो कैसे होगा यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं विकास नहीं हुआ है विकास नहीं हुआ है सरकार बोल रही है कि हर घर नल योजना बनाए शौचालय बनाए कौन शौचालय हम बने रखे हमारे शौचालय बने बनाया सरकार की तरफ ऐसी नहीं जी घर में नल नहीं नल तो समूचे गाँव में इतना मोटा मोटा है नहीं हाँ। है नहीं जी चलिए देखिए सरकारी वहाँ लगा हुआ है नीतीश जी कहते हैं कि हर घर नल दिए हैं उसके बाद शौचालय बनाए सड़क बनवाए हैं सड़क तो बने कल से बनवाए पा, है नल रहा है है बस हुए तक ले है अच्छा पच्चीस में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो फिर हाँ। से विधायक आएंगे तो क्या कहेंगे वोट देंगे वोट देंगे इस बार वोट देंगे देगा नीतीश कुमार को चाहते हैं फिर से आ, ना। आग लगा पार्टी है वो आग हाँ। तो किसको चाहते हैं कौन इस बार सरकार में आएगा उनको हम खुटिया जानते हैं आग लगावे वाला अरे तो सरकार में कौन आएगा किसको चाहते है तेजस्वी यादव जो खिलावेगा उसको गायेंगे तो मतलब वोट देंगे ना जनता है तो हाँ, वोट हाँ, तो देंगे विधायक हाँ, भी आएंगे वो कैसा है खट्टा से थे मिठा से हाँ, क्या बोल रही है कह रहे हैं कि हम लोग का मोदी सरकार बोले कि गरीबी का मतलब राशन मिलेगा वो हम लोग का नहीं मिलता है डीलर है तो अति ती, उनतीस तारीख तीस तारीख वहाँ से राशन उठाते हैं और तीस को बंद कर देते हैं कि लि, लिंक फेल हो गया तो हम लोग का राशन भी नहीं मिल पाता है और फिर है कि देखिए स्मार्ट जो बिजली मीटर लगल है वो हम लोग का कभी महीना दस दिन पर हम लोग का पाँच सौ रुपया लगता है आ तीस दिन में पंद्रह सौ रुपया अच्छा। भरते हैं हम लोग गरीब आदमी है दो गो बल और एक पंखा जलाते हैं हम लोग गरीब आदमी है कहाँ से इतना भरेंगे म... घर चलता है देखिए हम लोग तो रोजा मजदूरी करते हैं खेत में काम करने जाते हैं हाँ। उस हिसाब से हम लोग बिजली बिल भरेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि खिलाएंगे क्या करेंगे शौचालय तो बनाए शौचालय हम लोग का नहीं है खेत में जाते हैं खेत में जाते हैं हाँ। डर नहीं लगता है अब डर लगता है तो क्या करे वही जैसे कि कोलकाता में कांड हुआ है उसे हम लोग का भी होगा मतलब इस चीज का डर लगा रहता है डर लगा हाँ। नहीं मैम अब बड़ा बड़ा बच्चा है हम लोग खेत में जाते हैं शौचालय बताइए तो हम लोग का क्या जो उतना अच्छा अति हॉस्पिटल में थे क्या ची बोले है डॉक्टर कोलकाता में उनको तो छोड़वे नहीं किया हम लोग खेत में जाते है तो हम लोग को छोड़ देगा हम लोग सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग में शौचालय बना बनाना चाहिए और बिजली का ये जो है स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए अच्छा सरकार है। कहती है कि सबके घर में शौचालय बनाए घर नल योजना दिया गया है तो आपके घर पे नल योजना दिया गया है नहीं मैडम कहा न कहा नहीं कुछ नहीं है शौचालय भी नहीं है शौचालय तो के लिए खेत में जाती हाँ, हैं तो क्या चाहती हैं सरकार से 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो क्या चाहती है कुछ बदलाव होना चाहिए हाँ बदलाव होना चाहिए जो अच्छा करेंगे उन्हीं को वोट देंगे किसको वोट देंगे जो अच्छा करेंगे नीतीश कुमार है अभी उनको वोट देंगे देखिए नीतीश कुमार जो पलटू राम है पलटू राम है वो राम है तो विकास की बात करते हैं काम भी तो करते हैं बोलते हैं की गरीबों के लिए और काम गरीब के लिए करते तो हम लोग थोड़े ही जाते खेत में जाते नहीं जाते घर में नहीं काम करते हैं नहीं मतलब जो खेत में हम लोग जाते हैं तो हम लोग अच्छा करते नीतीश कुमार तो खेत में जाते शौचालय कि घर में जाते हैं घर में ना शौचालय मेरे रहता तो ये सब कुछ भी नहीं हम लोग का कुछ भी लाभ नहीं मिला है कोई लाभ नहीं मिला है चलिए तो जैसा कि इस वक्त मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा में थी और यहाँ के लोगों से बातचीत की है यहाँ पर खुद आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है साफ़ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से सरकार का जो वादा है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं महिलाओं से बातचीत किया गया और महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर हर घर में शौचालय दिया गया होता तो क्यों जाती खेत में और जिस तरीके से ये खेत में जाती इन्हें डर भी लगता है और वहीं जिस तरीके से कोलकाता में महिला के साथ हुआ उस चीज का भी इनको डर लगा रहता है अब बाकी आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके साथ ही और भी गांव में जिस तरीके से बस सरकार के द्वारा वादा कर दिया जाता है जब चुनाव होने वाले होते हैं तो सरकार वहां पर जाती है और वोट की अपील करती है लेकिन उसके बाद से जब वह जीत जाते हैं जो भी विधायक होते हैं वो जीत जाते हैं जीतने के बाद से वह वहाँ पर जाकर देखते तक नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ पर विकास कितना हुआ है फिलहाल इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद